दरमियान हुई धक्का मुक्की के विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक को तेज रफ्तार ट्रेन से ही फेंक दिया। आपको बता दें कि इस हादसे में युवक की मौत हो गई। हालांकि वहां मौजूद यात्रियों ने आरोपी युवक को पकड़ कर रखा, उसे अजनी स्टेशन पर लोहमार्ग पुलिस के हवाले किया गया। मृतक युवक का नाम अकोला निवासी शेख अकबर जबकि आरोपी का नाम शेख शाहरिक बताया गया। घटना बूटीबोरी से गुमगांव स्टेशन के बीच गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे की है। हालांकि वहां मौजूद यात्रियों ने आरोपी युवक को पकड़ कर रखा, उसे अजनी स्टेशन पर लोहमार्ग पुलिस के हवाले किया गया। मृतक युवक का नाम अकोला निवासी शेख अकबर जबकि आरोपी का नाम शेख शाहरिक बताया गया। घटना बूटीबोरी से गुमगांव स्टेशन के बीच गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे की अकोला निवासी शेख शाहरिक शेख अकबर मोहम्मद सोहेल अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ ताजबाग में जारी उर्स में शामिल होने गरीब रथ एक्सप्रेस से नागपुर आ रहे थे। कई यात्री शौचालय के पास खाली जगह में बैठ गए। यात्रियों की संख्या काफी अधिक होने से शौचालय के पास यह हिस्सा भी खचाखच भरा हुआ था। शेख अकबर दरवाजे के पास खड़ा होकर सफर कर रहा था। इसी बीच भीड़ में हो रही धक्का मुक्की की बात पर शेख शाहरिक और शेख अकबर के बीच विवाद शुरू हो गया। नागपुर शहरा मध्ये ताजिदून बाबा यांचा उर्स सुरू झालेला आहे आणि हा या वर्षी त्या उर्सला 100 वर्ष पूर्ण होत आहे। त्यामुळे मुस्लिम बांधवांमध्ये या उर्सचं महत्व जास्त असल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातून नागपूर शहरामध्ये खूप सारे भाविक मुस्लिम बांधव नागपूर शहरामध्ये विशेषतः रेल्वेने प्रवास करत आहेत आणि अशाच प्रकारे काल अकोला येथून सकाळी 5:45 गरीबरथ एक्सप्रेस जी पुण्याहून नागपूरला नेहमी चालते त्या एक्सप्रेसमध्ये अकोल्याहून काही मुस्लिम बांधव नागपूर येथे ताजिद्दीन बाबाच्या दर्ग्याला येण्यासाठी निघालेले होते आणि त्यावेळेला बुटीबोरी क्रॉस केल्यानंतर जे दोन प्रवासी होते त्यांच्यामध्ये एका मयत इस्माचा नामे शेख अब्दुल शेख अब्बार वय 26 वर्ष राहणार अकोला याचा पाय आरोपी नामे शेख शारिक शेख अब्बार वय 25 वर्ष राहणार अकोला याला लागला आणि त्या क्षणिक कारणासाठी त्यांच्यामध्ये भांडण झालं आणि त्याने लगेचच त्या याचा राग घेऊन त्याला किरकोळ नॉर्मल धक्का दिला। परंतु ट्रेन ज्या वेळेला धावत असते त्यावेळेला ट्रेनचं स्पीड 125 ते 150 किलोमीटर पर आवर असतं आणि या ट्रेनच्या स्पीडमुळे तो ज्या स्पीडने खाली पडला त्यामुळे त्याच्या डोक्याला खूप मोठी जखम झाली आणि जवळपास डोक्याचा अर्धा भाग कापला गेला आणि त्या घटनेमुळे त्याचा त्या ठिकाणी तत्काळ मृत्यू झाला। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी BCN News नागपूर।